हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जानेंगे YouTube वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं क्राइम मास्टर से। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलती रहती हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए क्राइम मास्टर पे। तो यहाँ से हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे और 69 सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्राइम मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम फ्रेंड इस बैकग्राउंड पर आगे तक प्रेस करेंगे, थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेंगे और ओके कर देंगे। फिर हम फ्रेंड लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो वीडियो के एडिटिंग करना है उस वीडियो के हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हम फ्रेंड इस वीडियो के साइज मिला के हम इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे। फिर हम फ्रेंड ओके करेंगे। फिर हम फ्रेंड इस वीडियो पे टैप करेंगे। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट करेंगे। तो फ्रेंड ये कैंची पे क्लिक करेंगे और इसे आगे से हमको काटना है। तो ये ऊपर वाला जो है ट्रिम टू लेफ्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये आगे से कट जाएगा और इसे हम थोड़ा दबा के रखेंगे और आगे तक घेर देंगे लाइन और ओके कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। फिर हम फ्रेंड अगर पीछे से हमको कट लगाना है जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो फिर हम कैंची पे क्लिक करेंगे और फिर हम फ्रेंड ट्रिम टू राइट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट से राइट से हमारा कट हो जाएगा। और फिर हम फ्रेंड ये बैकग्राउंड है इसे भी हमको कट करना है। फिर हम फ्रेंड कैंची पे क्लिक करेंगे। फिर हम फ्रेंड इसे भी हम कट करके बराबर कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो चुका। फिर हम फ्रेंड इसमें हमको मोबाइल फ्रेम लगाना है तो लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मोबाइल फ्रेम ले लेंगे और इस मोबाइल फ्रेम को दबा के रखेंगे और इसे ऐड करेंगे वीडियो में जो थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा। तो ये हम साइज मिला के इसे हम ऐड कर दिए। फिर हम फ्रेंड इसे भी आगे तक लाइन खींच देंगे, बराबर कर देंगे। ये पूरे वीडियो में फ्रेम हमारा लग जाएगा। फिर हम फ्रेंड इसमें इंट्रो लगाएंगे। इंट्रो लगाएंगे तो फ्रेंड मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंट्रो ले लेंगे। तो इंट्रो के यहाँ हम ऐड करेंगे। फिर हम फ्रेंड क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे तो हमारा इंट्रो लग जाएगा। तो ये हमारा इंट्रो भी लग गया। फिर हम फ्रेंड इसमें लोगो हमको लगाना है चैनल का। फिर हम फ्रेंड लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोगो सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा लोगो आ गया। अब जहाँ ऐड करना चाहते हो, चाहे यहाँ ऐड करो या नीचे ऐड करो, यहाँ में हम इसे ऐड कर देंगे। इसे भी हम पूरे वीडियो में सेलेक्ट करेंगे और बराबर लाइन खींच देंगे ताकि पूरी वीडियो में हमारा लोगो दिखाई दे। फिर हम फ्रेंड ऐसे चला के देखेंगे तो ये हमारा वीडियो एडिटिंग हो चुका है। एडिटिंग
हो चुका है। तो इस तरह से वीडियो एडिटिंग होता है। फिर हम फ्रेंड इसे अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए ये तीर पे, ये तीर का जो निशान है, इस तीर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हम फुल HD सेव करेंगे, तभी हमारा वीडियो प्रोफेशनल थोड़ा दिखेगा। तो यहाँ हम सेव करेंगे तो ये हमारा वीडियो सेव होने लग जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर आप YouTube पर इसे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे एडिटिंग होता है। वैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।